रास्ता पूछने में शर्म महसूस नहीं करनी चाहिए, क्या पता मंदिर का रास्ता वहीं से जाता हो जिससे आप बेखबर हों। अगर आप जीवन में सफल होना चाहते हैं तो अपने जीवन में इन चीज़ों को जरूर शामिल करें। खुश रहें, हमेशा मुस्कुराएं और जोर से मुस्कुराएं। सही और सकारात्मक अच्छी सोच रखें। परिश्रम करने से खुशी मिलती है, इसलिए परिश्रम जरूर करें। अपनी यथाशक्ति दूसरों की मदद जरूर करें। स्वस्थ आहार ले, सुख से प्रेम करें और सुख को स्वस्थ रखें। दूसरों में कमियां ना निकालें, हमेशा सुख को बेहतर बनाने का प्रयास करें। हमेशा नया कुछ नया सीखने का जिज्ञासा रखें और ज्ञान जहां मिले वहां ले लो। आप अपनी ज़िंदगी में बस सुकून ढूंढिए, क्योंकि इंसान की ज़रूरतें तो कभी ख़त्म नहीं होती। मुसीबत के वक्त सब्र रखना मानो आधी लड़ाई जीतने के बराबर है। इंसान के लिए दिल में जब घमंड और नफरत पैदा होने लगती है तो खुशियां गायब हो जाती हैं, लेकिन जब इंसान के दिल में अच्छे विचार और प्यार पनपने लगता है तो सारी उदासी दूर हो जाती है। इसलिए घमंड और नफरत करने से बचें। अपने औलादों के लिए संपत्ति बनाने के चक्कर में अपने भाई की संपत्ति मत हड़पना। हो सकता है बुढ़ापे में भाई ही हाथ पकड़ कर जीवन की नैया पार कराएं। माँ बाप का बुढ़ापा उनकी उम्र से नहीं, औलाद के रवैये से तय होता है। दुनिया का उसूल है, जब तक काम है तब तक नाम है, बाकी दूर से ही सलाम है। जीवन में आप अपने लिए तो कुछ करते हैं, वो तो अंत में आपके साथ चला जाता है, पर जो आप दूसरों के लिए करते हैं वो आपकी विरासत, आपकी याद बनकर यहीं रह जाता है। जीवन का एक सीधा सा फंडा है, आप जितना पढ़ोगे उतना ही ऊपर उठोगे। ज़्यादातर स्त्री अपने भाई से ये उम्मीद रखती है कि वृद्ध माता पिता की सेवा करें, पर खुद पति को इस नेक काम से दूर रखती हैं। सत्य है और कड़वा भी। एक गलती आपका अनुभव बढ़ा देती है और एक अनुभव आपकी गलतियां कम कर देता है। अपने माँ बाप को कभी मत रुलाओ, उनके सपनों को कभी मत रुलाओ। जितना आप अपने माता पिता को सुख रखोगे उतना ही ईश्वर आपको सुख रखेगा। इंसान बड़ी अजीब फितरत का मालिक है, ये मरे हुए लोगों के लिए रोता है और जिंदों को रुलाता है। कदर करनी है तो अभी जीते जी करो, वरना मौत के बाद तो नफरत करने वाले भी रो देते हैं। आप खुद अपनी प्रतिष्ठा, इज्जत और सम्मान का बहुत अच्छे से ख्याल रखें, क्योंकि यही है जिसकी उम्र आपसे ज़्यादा है। तमाम गिले शिकवे भुलाकर जिया करो। जिंदगी अपनी यारों सुना है, मौत मुलाकात का मौका नहीं देती। पति या पत्नी का चुनाव करते समय सावधानी बरतें, लेकिन जब एक बार किसी का हाथ थाम लो तो फिर उम्र भरना छोड़ें। हर कोई कहता है बीवी सिर्फ तकलीफ देती है, कभी किसी ने यह नहीं कहा तकलीफ में हमारा साथ भी सिर्फ वही देती है। पति पत्नी को कभी भी एक दूसरे का अपमान किसी और के सामने नहीं करना चाहिए, ना ही दूसरे के सामने एक दूसरे का मजाक उड़ाना चाहिए। ना बेटा ख्याल करता है ना बेटी ख्याल करेगी, बीबी से बना कर रखें बुढ़ापा।